नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स को लेकर डिस्कस करते हैं, उनका कॉज और इफेक्ट, इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और न्यूज़पेपर्स को पढ़ने का जो तरीका है हम वो दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चाहिए और उन्हें एनालाइज करना चाहिए। तो यहाँ हम इकोनॉमिक बिजनेस इवेंट्स डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल इवेंट्स डिस्कस करेंगे जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं और इंडिया में भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। अब ये पहला आर्टिकल है यूनाइटेड किंगडम के बारे में और ये कह रहा है, ये इसका कहना है कि हम ब्लेम करते हैं जेन जी, जनरेशन जी कि जो बिजी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हमें अपेंड करना पड़ा है लेबर डेटा। तो जानते हैं पूरा आर्टिकल क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके टाइटल में, लेकिन मोटा मोटी आपको पता होगा जनरेशन जी हम किसे बोलते हैं, जैसे मिलेनियल्स थे इससे पहले, फिर जनरेशन एक्स भी थे और वाई थे, इसी तरीके से अब जो है जनरेशन जी है, हमें जनरेशन जी बोलते हैं जो आजकल के बच्चे आप कह रहे हैं जो 2000 ईस्वी के बाद पैदा हुए हैं। तो यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है वो ब्लेम कर रही है इनके बिजी लाइफस्टाइल को लेबर डाटा को अपेंड करने के लिए। अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंडिंग मतलब बेसिकली अपसाइड डाउन कर रहे हो अगर आप किसी चीज़ को, जैसे कि अगर आप अपने साइकिल को ठीक करते हो तो आपको याद होगा आप उसे उल्टा करके रख देते थे, राइट, दोनों टायर हवा में और साइकिल नीचे। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। यूके गवर्नमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स एजेंसी है, ठीक है, जैसे इंडिया में NSO है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वहाँ पे है स्टैटिस्टिक्स एजेंसी, उसने कहा है कि जो इतनी हेक्टिक लाइफ हो गई है जनरेशन जी की और मिलेनियल वर्कर्स की, इसकी वजह से उन्हें फोर्स होना पड़ा है कि उनका जो तरीका है डेटा को कलेक्ट करने का, क्रूशल डेटा को, लेबर मार्केट में, लेबर मार्केट मतलब जॉब मार्केट बेसिकली, ठीक है, उसे पूरा चेंज करना पड़ा। और इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना हेक्टिक है और इतना बिजी है इनका ये कहना है। तो डैरेन मॉर्गन जो डायरेक्टर है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स प्रोडक्शन एंड एनालिसिस एट द ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स, ONS, वहां पे ONS है, जैसे हमारा NSO है यूके में है, ONS, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने कहा कि जो यंग लोग है ना ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे जो भी सर्वे जा रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से ओल्डर जनरेशन करते थे, है कि नहीं, और स्मार्टफोन्स भी है दोनों के पास ही, ऑफ कोर्स इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, एंड ONS डेटा कलेक्टर्स पूरा अटेंशन भी देते हैं लेकिन डेटा कलेक्शन बहुत मुश्किल हो गया है। और इस ट्रेंड की वजह से वहाँ की जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे जो डेटा है उसे बेसिकली उन्होंने कहा कि हमें फोर्स होना पड़ा कि जो हम कलेक्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट डेटा पे हम उसे स्क्रैप करें जो हमारे यूजुअल डेटा है, क्योंकि वो वर्थलेस है, ये लोग रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑफकोर्स वो मिलेनियल्स हैं या फिर उनसे प्रीवियस जनरेशन है, जो उनसे बड़ी जनरेशन है वो है। तो ये डेटा इन्फॉर्मेशन जो है ये आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है, तो इससे जो भी आप डिराइव करेंगे इनकम्प्लीट डेटा से वो भी कभी सही कंक्लूजन तो नहीं बन सकती। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल फिगर्स जो है रिलीज़ किए जो रिलाई करते हैं डेटा फ्रॉम पे रोल्स, बेनिफिट क्लेम्स, तो इंस्टेड ऑफ यूजुअल सर्विस इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। और ये जो चेंज है, द चेंज लेफ्ट क्वेश्चंस अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, इससे एक रिलायबिलिटी ऑफ डेटा के बारे में क्वेश्चन आती है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है यूज कर रहा है इन डेटास को इंटरेस्ट रेट सेट करने के लिए, और इन डेटास की रिलायबिलिटी की आप बात करिए, देखिए वो खुद कह रहे हैं कि रिलायबल डेटा निकालना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो ट्यूजडे का एक्सपेरिमेंट डेटा है ये शो करता है कि यूके अपने लॉन्गेस्ट रन में ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉल्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नीचे जा रहा है यूके में सिंस अर्ली 2021, लेकिन जो रिवाइज फिगर है, रिवाइज मतलब जो नए फिगर्स आए हैं वो सजेस्ट करते हैं कि लेबर मार्केट जो है और ज़्यादा टाइट है जितना सोचा गया था उससे। ट्यूजडे को रिपोर्ट आई, इसके बाद ये डिले हुआ, ONS ने एक्नॉलेज किया कि बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स रेट अच्छा नहीं है लोगों का उनके सर्वे में, क्योंकि ये यंग वर्कर्स हैं वो जो हैं नहीं हो पाते इस वाले डेटा में बेसिकली इनके वेल रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जनरेशनल फिनोमिनन है इनके हिसाब से, ये कि एक पूरी जनरेशन इस तरीके से बिहेव कर रही है जब वो सर्वेस के लिए जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये एक ऐसी इश्यूज में भी इंडिया में भी आ सकती हो, एंड एक रिलायबिलिटी ऑफ डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कहेंगे कि फिनोमिना है, जहाँ पे हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते। जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे इलेक्शन का टाइम आ रहा है, कितने सारे
आपको देखेंगे सर्वेज, राइट, एंड अलग अलग न्यूज़ चैनल प्रेडिक्ट करेंगे इतनी सीट्स आएंगी इतनी सीट्स आएंगी। फिर पोस्ट वोटिंग भी ऐसे ही सर्वेज होते हैं, और आप इनमें से देखेंगे मेजॉरिटी गलत ही होता है, ठीक है, और कुछ ही होता है जो बहुत एक्यूरेट जो है प्रडिक्शन कर पाता है। तो जब मेजॉरिटी गलत हो रहा है तो आप ये सोचिए कि हम भी जो डेटा यूज़ कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, इसके बाद जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है वहाँ पे अच्छा खासा डेटा कलेक्ट होता है पहले, राइट, एंड किन लोगों पर किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, किन लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस चीज़ से। और अगर ये डेटा सही नहीं आ रहा है तो फिर जो पॉलिसी मेकिंग वाले लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, और जो जनता है, हम आम लोग हैं, इनके बीच में ना एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक गैप आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग का, वो समझेंगे ही नहीं हमें, राइट, क्योंकि मे बी हमारी कोई ऐसी जनरेशन हो या एक ऐसा फैक्शन हो जो रिस्पॉन्ड नहीं करता, सर्वेज में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो स्टेटिस्टिक्स में ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें नए मेजर्स अब ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आते हैं अगली न्यूज़ पर, यह है GST नोटिसेस वर्थ 1 trillion rupees पाइल अप फॉर ई गेमिंग कज ओवर टैक्स इवेजन। यहाँ पे है GST नोटिसेस वर्थ 1 trillion rupees के GST नोटिसेस जो है पाइल अप हो गए हैं ई गेमिंग कंपनीज के लिए, ठीक है, क्यों, टैक्स इवेजन। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अथॉरिटीज ने इशू किया है शो कॉज नोटिस 1 trillion rupees का, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज ने जितनी भी टैक्स इवेजन के लिए उन्हें दिया गया, एंड यहाँ पे कहा गया कि कोई डेटा नहीं है फॉरेन गेमिंग कंपनीज का, ठीक है, रजिस्टरिंग इन इंडिया सिंस October 1, और गवर्नमेंट ने अमेंड किया है GST लॉ और मैंडेटरी कर दिया है ओवरसीज ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के लिए भी कि इंडिया में रजिस्टर करो और 1 अक्टूबर से करो, तो अभी तक तो किसी ने नहीं किया। और अगस्त में GST काउंसिल ने क्लैरिफाई किया कि 28% टैक्स लगेगा फुल वैल्यू ऑफ बेट्स पे, जो बेटिंग एप्स है जहाँ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उससे लगती हैं। तो तब से जो होस्ट ऑफ गेमिंग कंपनीज हैं उन्होंने रिसीव किया है या तो इंटीमेशन नोटिस या तो शो कॉज नोटिस फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ GST। अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज है उनको नोटिस दिया गया 1 trillion rupees का, जी मतलब 1 lakh crore rupees का बाय GST अथॉरिटीज सो फार। तो जो गेमिंग कंपनी ड्रीम इलेवन है इसे मिला है 40,000 crore का, ठीक है, टैक्स का, टैक्स इवेजन का नोटिस। और कैसीनो ऑपरेटर्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स जैसे कि डेल्टा कॉपी लिस्टेड कंपनी है, इसका स्टॉक प्राइस चेक करिए, ठीक है, कितना नीचे गिरा हुआ है, इसने मिला है नोटिसेस GST अथॉरिटी से 2 installments में जिसका टोटल था 30,000 crore। तो यह है शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए। तो ऑफकोर्स इससे पता लगता है कि एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लॉज को लेके इन गेमिंग कंपनीज के लिए, ये लॉज जो है इनका आप कह सकते हैं परसेप्शन बहुत अलग है जो टैक्स अथॉरिटी का है। तो हमें देखना होगा कि क्या ऐसा इश्यू है कि सारी जो गेमिंग और बेटिंग और गैम्बलिंग की जो कंपनीज हैं ये टैक्स सही से नहीं पे कर पा रही, एक भी कंपनी ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से सही से टैक्स नहीं पे किया है, सबने टैक्स एवेड किया है। तो या तो ये सारी कंपनीज टैक्स फ्रॉड कर रही हैं या तो जो टैक्सेशन के लॉज हैं इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन है। तो अगर ये मे बी जो इनकम टैक्स के हिसाब से सही चीज़ भी कर रही होती वो होती गलत, राइट, तो हमें ये देखना होगा। कुछ बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप है क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े नोटिसेज, ये इंडिया की रिकॉर्ड में हिस्ट्री है एज अ कंट्री, इतने बड़े बड़े नोटिसेज हम दे रहे हैं टैक्स के कंपनीज को। तो कुछ बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, बहुत ही बड़े डिफरेंसेज हैं लॉज के इंटरप्रिटेशन में। तो ये एक रीज़न है कि लॉज को इस तरीके का बनाया जाए कि उनका इंटरप्रिटेशन सिंपल हो, ना कि इतना कन्फ्यूजिंग हो कि उसको फॉलो करना ही मुश्किल हो, राइट, कि इम्पॉसिबल हो जाए कि बिजनेस छोड़ के आप लॉस फॉलो करने बैठ जा रहे हो, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। आते हैं अगले आर्टिकल पर, अल्फाबेट शेयर्स स्लंप ओवर 8% एज क्लाउड यूनिट मिसेस एस्टिमेट्स। अल्फाबेट, यहाँ बात हो रही है गूगल के पेरेंट कंपनी की, गूगल एंड्रॉयड, गूगल मैप्स आप यूज करते हैं, गूगल के सैकड़ों प्रोडक्ट यूज करते हैं आप, ठीक है, पूरा एंड्रॉयड जो है आपके फ़ोन में वहाँ से ले करके अब तो गूगल के फ़ोन्स भी हैं, गूगल पिक्सल वगैरह जो अच्छे खासे चलते हैं फॉरेन में, और अब इंडिया में भी अच्छा खासा इनका प्रोडक्शन आ रहा है। तो अल्फाबेट के जो शेयर्स हैं 8% गिर गए हैं गूगल के शेयर्स, क्योंकि इनका जो क्लाउड यूनिट है ना, जो गूगल का क्लाउड बिजनेस है, इसने मिस कर दिए अपने एस्टिमेट्स। तो फर्म ने पोस्ट किया $44 billion इन सर्च एडवर्टाइजिंग बीटिंग एनालिस्ट प्रोजेक्शंस। तो अल्फाबेट का जो क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट है इन्होंने रिपोर्ट किया कि भैया हमारा जो प्रॉफिट है एक्सपेक्टेशन से कम आया। तो देखिए 8% स्टॉक गिर गया। आपने कभी ऐसा देखा है कि मान लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो भी थी, स्टॉक जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक नीचे है लेकिन इसका, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा आया, बहुत ही बढ़िया आया,
स्टॉक नीचे है, राइट। तो ये खेल होता है हमेशा किसका, एक्सपेक्टेशंस का। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। 10% की ग्रोथ आई है, 50% की भी ग्रोथ आई है, बट एक्सपेक्टेशंस क्या थे। दूसरा ऑफकोर्स अब शॉर्ट टर्म जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं पोजिशन क्या बने हुए हैं डेरेवेटिव में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑप्शन में फ्यूचर्स में अगर कोई बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाए या ओवरबॉट हो जाए तो रिजल्ट आने के बाद भी आप कहेंगे वो लॉजिकली या एक्ट नहीं करेगा, या मतलब आप कह सकते हैं फॉलो नहीं करेगा जो रिजल्ट आया है उससे, तो ये एक इश्यू हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस आउटलुक एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलिए रिजल्ट तो 50% से बीट कर दिया आपने, लेकिन आउटलुक यह है कि अगली बार शायद 10% प्रॉफिट होगा, इकोनॉमी अच्छी नहीं है। तो ये तीन सवाल हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप किसी शेयर में ट्रेड करना चाहते हैं रिजल्ट्स के आसपास, चाहे रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स के पहले। रिजल्ट्स के पहले स्पेशली ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स पोजीशन क्या बने हुए हैं, और उसके अलावा आउटलुक इसका क्या आता है इसे ध्यान से पढ़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शेयर जो है 8.9% नीचे थे इंट्राडे, ठीक है, वेंसडे को। और गूगल की जो डोमिनेंट सर्च बिजनेस है ये मैच्योर कर रही है, इन्वेस्टर्स जो है क्लाउड यूनिट को देख रहे थे कि यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ आ सकती है क्लाउड में। और इस यूनिट का ऑपरेटिंग इनकम जो आया $266 मिलियन आया, जिसमें एस्टिमेट थे $434 मिलियन के। तो गूगल एक्चुअली ट्रेल कर रहा है काफी टाइम से amazon.com को और माइक्रोसॉफ्ट को, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो, जहाँ पे कंपनी जो है सेल करती हैं स्पेस। बेसिकली आप स्पेस खरीद रहे हो ना गूगल क्लाउड पे, फोटोज पे, गूगल फोटोज पे आपको 15 GB जैसे फ्री मिलते हैं, उसके बाद आप पे करके लेते हो। तो ये गूगल का क्लाउड बिजनेस है, ठीक है। तो ये स्पेस देते हैं आपको अपने सर्वर पे और सॉफ्टवेयर देते हैं एंटरप्राइज क्लाइंट्स को, कंपनीज इसे और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करती हैं, राइट। इसके जो बिजनेस वर्जन है एंटरप्राइज वर्जन है उन्हें यूज करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इट फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन द मोस्ट रीसेंट क्वार्टर, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पे गूगल को स्टिफ कॉम्पिटिशन भी मिल रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए एडवर्टाइजिंग और इसमें तो बहुत ही अलग सीन हो जाता है, क्योंकि गूगल डोमिनेंट सर्च इंजन कौन यूज करता है गूगल के अलावा कोई और। तो यहाँ पे आप जो स्टिफ कॉम्पिटिशन है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग में, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये दोनों बड़े जायंट्स हैं अपने आप में। तो मैक्स विलियम्स का ये कहना है जो एनालिस्ट है विद इनसाइड इंटेलिजेंस की जो ट्रैक्शन है, ठीक है ना, AI स्टार्टअप्स में, इसके वजह से लॉन्ग रन में फायदा होगा, लेकिन इससे गूगल को अभी क्लाउड को कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसा मानना है एनालिस्ट का। और जो रिजल्ट्स थे इनमें हेल्दी रिपोर्ट्स भी ठीक है आए थे यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड क्वार्टर सेल्स एक्सक्लूडिंग पार्टनर से पे आउट यहाँ पे $64 बिलियन। और अल्फाबेट ने कहा अभी ट्यूजडे को एनालिस्ट को कि वो प्रेडिक्ट करना है $63 बिलियन डेटा आएगा एज अकॉर्डिंग टू डेटा कंपाइल्ड बाय ब्लूमबर्ग, बट यहाँ पे आया ये $1 बिलियन एक्स्ट्रा। तो नेट इनकम $1.55 आया पर शेयर कंपेयर टू वॉल स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी 1.45। तो देखिए नेट इनकम पर शेयर तो आप ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने स्टॉक बेच दिया गुस्से में, क्योंकि भाई एक्सपेक्टेशंस नहीं बीट हुई। तो जो आप कह सकते हैं जब भी रिजल्ट सीजन आता है ना, स्टॉक्स बहुत ही लॉजिकली रिएक्ट करते हैं। तो कभी लॉजिक ढूंढ के उसमें अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा चांसेस होंगे आपके गलत होने के, और ट्रेड हमेशा रिस्की होगा, राइट। तो ऐसे ही कुछ सिनेरियो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने पोस्ट किया 44 बिलियन इन सर्च एडवर्टाइजिंग बीटिंग द एवरेज एनालिस्ट प्रोजेक्शन ऑफ $43.2 बिलियन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आए हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कल से आप रोज ऐसे वीडियोज देख पाएंगे। एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।